ट्रिपल तलाक मामले पर कानूनी लड़ाई के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब अल्लाह के नाम की दलील दी है। AIMPLB ने कोर्ट से कहा है कि अगर ट्रिपल तलाक को अवैध करार दिया जाता है तो ये अल्लाह के आदेशों की अनदेखी होगी। AIMPLB ने संविधान के आर्टिकल 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का भी हवाला अपनी दलील में दिया। कहा कि संविधान में भी व्यक्तिगत कानून प्रावधानों को पवित्र माना गया है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी माना कि इस्लाम में ट्रिपल तलाक एक असामान्य तरीका है, बावजूद इसके इसे अवैध करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये कुरान में लिखा हुआ है। पूरी खबर के साथ ही आज आपको खबर की विश्वसनीयता के बारे में भी हम जानकारी दे देते हैं। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मौजूद हैं। ये मामला कोर्ट में है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि खबर पुष्ट है। मामले से जुड़े कई लोगों के बयान भी हमारे पास हैं जो कि इसकी प्रामाणिकता की और पुष्टि करता है। हालांकि इस पूरी खबर का कोई तकनीकी पहलू नहीं है। आपको बताते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट में कहा क्या है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क है कि तीन तलाक को गलत करार देना अल्लाह के निर्देशों का उल्लंघन होगा। तीन तलाक को ना मानना कुरान को दोबारा लिखने जैसा होगा। तीन तलाक ना मानना मुस्लिमों से जबरन पाप कराने के लिए मजबूर करने जैसा होगा। ऐसे ही कुरान की बुराई की गई तो इस्लाम खात्मे की कगार पर आ जाएगा। ये तमाम दलीलें AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट में दी हैं। ये मसला हमारी शरीयत का है, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ का है, तो इसमें किसी किस्म की तब्दीली चेंजेस या इसमें इंटरफेरेंस ना किया जाए। और हम लोगों को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से पूरी ये उम्मीद है कि जाहिर सी बात है जो भी फैसला होगा वो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा और हमें अपने मुल्क में अपनी शरीयत पर अमल करने की पूरी आज़ादी जो हमारे मुल्क के आइन ने हमें दी है वो बरकरार रखी जाएगी। तीन तलाक जैसी जो व्यवस्था है उससे महिलाओं के बच्चों के अधिकार खास तौर पर बहुत ही चोट खाते हैं और ऐसे में ऐसी व्यवस्थाओं को भंग करने में ही समाज का लाभ है और उसमें मुस्लिम समाज की महिलाओं का मुस्लिम बच्चों का लाभ है। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो एक NGO की तरह है, उसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है, लेकिन उनको अधिकार है अपनी बात कहने का और ज़रूरी नहीं है कोर्ट कचहरी को वो बात मानने का। मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के समर्थन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी दलील सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। AIMPLB ने इसकी पैरवी के लिए अल्लाह, इस्लाम और कुरान हर चीज का इस्तेमाल कर लिया। आपको सुनवाते हैं कोर्ट में कहा क्या गया। अगर पवित्र कुरान किसी तरह बुराई की जाती रही तो जल्द ही इस्लाम खात्मे की कगार पर आ जाएगा। हालांकि एक बार में तीन तलाक कहना इस्लाम में तलाक देने का असामान्य तरीका है, लेकिन कुरान की पवित्र आयतों और पैगंबर के आदेश के मद्देनजर इसे अवैध करार नहीं दिया जा सकता। कुरान में आदेश दिया गया है कि तीन बार तलाक कह देने पर बीवी अपने पुराने पति के लिए हराम हो जाती है और ये तब तक रहता है जब तक हलाला की प्रक्रिया पूरी न कर ली जाए। कुरान में साफ लिखा गया है कि तीन बार तलाक बोल देने के बाद फैसले को बदला नहीं जा सकता है। तलाक के बाद पति उस महिला के साथ दोबारा रिश्ते में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि वो अपनी पसंद के किसी और व्यक्ति से शादी न कर ले। इतना ही नहीं, महिला और उसके पूर्व पति के बीच रिश्ता तब जायज माना जाएगा जब महिला के दूसरे पति की मौत हो गई हो या उससे तलाक हो गया हो। तो तीन तलाक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो दावे किए हैं, जो तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये होता है कि जहां पर कानून फैसला करेगा वहां पर अल्लाह के नाम पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? जहां पर सबूत और गवाहों के आधार पर फैसला होगा वहां पर धर्म की बाजी क्यों खेली जा रही है? इस्लाम कभी अत्याचार को बढ़ावा नहीं देता ये कहा जाता रहा है, तो फिर झूठे तर्क क्यों दिए जा रहे हैं? कुरान के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार के अधिकार की मांग क्यों की जा रही है? धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर मुस्लिम मर्दों की मनमानी की बात क्यों की जा रही है? तीन तलाक पर इस्लाम की बात कहकर भड़काने की कोशिश क्यों हो रही है? तीन तलाक महिलाओं पर अत्याचार की सच्चाई है, उसे धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? और हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए मुस्लिम महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली
नाइश हसन इस वक्त जुड़ चुकी हैं और साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नाइश हसन, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मौलाना खालिद राशिद फिरंगी साहब, आपसे मेरा रिएक्शन इस वक्त जो मैं चाहूंगी वो ये है कि जहां पर मानवीय आधार होना चाहिए जिन तर्कों को देते हुए, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, वहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बार बार धर्म को बीच में क्यों लेकर आ रहा है? हमारे धर्म ही ने महिलाओं को बराबर हक देने की भी बात कही है, महिलाओं को मर्दों के बराबर हक देने की बात कही है। तो ये कहना कि वुमेन राइट्स या ह्यूमन राइट्स और इस्लाम में कोई बीच में फर्क या अंतर या गलत है, और उसी की बुनियाद पर कल जो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सबमिशन रखा है, वहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में इन बातों को साबित किया है कि क्यों कर तीन तलाक भी इस्लाम में पूरी तरीके से जायज और वैलिड है। और इस सबमिशन में ये बात भी कही गई है कि इस्लामी शरीयत की ये रूह है कि जो निकाह के जरिए से एक बार मर्द और औरत के दरमियान मुकद्दस रिश्ता कायम हो जाए वो हमेशा कायम रहे, और तलाक का जरिया और तरीका सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नाइश हसन, आपका जवाब? देखिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है, इन्हें हक है एक सेक्युलर कंट्री में, लेकिन नाइंसाफी को धर्म का जामा नहीं पहनाया जा सकता। कोई भी धर्म अपनी प्रैक्टिस का हक देता है, लेकिन धर्म के मानने वाली आधी आबादी को सिरे से खारिज करने का हक नहीं देता है। कहीं कुरान ने ये नहीं कहा है कि तलाक 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 कह के आप इमीडिएट औरत को घर से बेदखल कर दें। तो इन्होंने जो अपने जवाब दाखिल किए हैं पहले भी और आज भी, वो बहुत बचकाने हैं, और मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इन बातों पर विचार करने वाला है। आप ये कह रहे हैं कि तलाक तलाक हमारे यहाँ जायज है, ये हमारे धर्म की प्रैक्टिस है, इस पे आज तक सवाल नहीं उठा। जब औरतें खुद ये बात कह रही है तब आपको परेशानी है। कानून तो आप बहुत से पहले ही बदल चुके हैं, आईपीसी सीआरपीसी पे आपने क्यों नहीं सवाल उठाया? आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया का फॉलो किया, आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? एक बार आपने ये नहीं कहा कि हमें सीआरपीसी मंजूर नहीं है, हमें शरीयत का कानून मंजूर होगा। कोई कैंपेन आपका नहीं चला। और आज मुस्लिम लॉ का एक छोटा पार्ट है पर्सनल फैमिली लॉ, उस पर आपको सारी शरीयतें याद आ रही है, ये नाइंसाफी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलील है। अब सुप्रीम कोर्ट उसमें इंसाफ और भारतीय संविधान दोनों दायरों को लेके, कुरान को लेके ही बात करेगा, और मैं समझती हूँ कोई भी देश नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तमाम कंट्रीज ने जब इस कानून को बैन कर दिया है तो हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के मौलवी मौलाना कैसे ये दलील दे सकते हैं कि तीन तलाक जायज है?